तो लॉकडाउन ख़त्म होते ही रियलमी X3 आप लोगों को इंडिया के अंदर देखने को मिलने वाला है और इसका ऑलमोस्ट हर एक स्पेक्स लीक हो चुका है। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को एक सेंटर पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलेगा, साथ ही स्नैपड्रैगन 765G प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर से देख लीजिए। इस वीडियो में आप लोगों को रियलमी X3 के अकॉर्डिंग सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ जाएगी जरूर से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट कर देता है वीडियो बनाने के लिए। तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं इस फोन के डिस्प्ले से। तो यहां पर आप लोगों को 6.57 इंच की एक फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आने वाला है। साथ ही आप लोगों को एक सेंटर पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलेगा और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलने वाला है। और अब बात कर लेते हैं इस फोन के रियर कैमरास के बारे में। तो यहां पर मिलने वाले हैं क्वाड रियर कैमरास, जिसमें से मेन सेंसर 64 मेगापिक्सल का होने वाला है, जिसमें आप लोगों को सैमसंग का सेंसर देखने को मिलेगा। साथ ही 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइडिंग लेंस, 5 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग सेंसर एंड 2 मेगापिक्सल माइक्रो सेंसर देखने को मिलने वाला है। और बात कर ली जाए इस फोन के सेल्फी कैमरे के बारे में, तो यहाँ पर आप लोगों को 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों देखा जाए तो इस फोन का कैमरा आप लोगों को काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलता है। और अब बात कर लेते हैं इस फोन के प्रोसेसर के बारे में। तो यहाँ पर आप लोगों को स्नैपड्रैगन 765G प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है, जो कि दोस्तों 5G की कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है। यानी कि इस फोन की परफॉर्मेंस आप लोगों को काफी ज्यादा पावरफुल देखने को मिलने वाली है। साथ ही एंड्रॉयड 10 आउट ऑफ द बॉक्स, जो कि वेस्ट होगा रियलमी UI के ऊपर। तो अब बात कर लेते हैं इस फोन के रैम वेरियंट के बारे में। तो यहाँ पर मिलने वाले हैं दो रैम वेरियंट, 6GB, 64GB, 8GB, 128GB। तो अब बात कर लेते हैं इस फोन के बैटरी लाइफ के बारे में। तो यहाँ पर मिलने वाली है 4100 mAh की बैटरी, जो कि दोस्तों 33W की फास्ट चार्जिंग होने वाली है। साथ ही आप लोगों को टाइप सी पोर्ट और 3.5mm हेडफोन जैक भी देखने को मिलने वाला है। तो फाइनली अब बात कर लेते हैं इस फोन की प्राइसिंग और लॉन्च डेट के बारे में। तो दोस्तों इसकी स्टार्टिंग प्राइस आप लोगों को 17,000 से 20,000 के बीच में ही देखने को मिलने वाली है। तो ऐसे में आप नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या आप इस फ़ोन का वेट कर रहे हैं या फिर नहीं, क्या आप इस फ़ोन को लेकर एक्साइटेड हैं या फिर नहीं। तो नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अब बात कर लेते हैं इस फ़ोन के लॉन्च डेट के बारे में। तो ये लॉकडाउन ख़त्म होते ही इंडिया के अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यही था रियलमी X3 का कम्प्लीट रिव्यू। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर से लाइक कर दीजिए। साथ ही अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन आएगा जरूर से उसको प्रेस कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।